तो फ्रेंड्स, मैंने ये अमेरिकन हॉरर थ्रिलर आफ्टरमैथ देखी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पीटर विंटर ने और इसके स्टार कास्ट में है एशली ग्रीन और शॉन एशमोर। रिव्यू शुरू करने के पहले बता दूं कि दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ऐसा ही कुछ रियल लाइफ में जेरी राइस एंड जैनिस रूथर के साथ हुआ था, जिन्होंने 2011 में एक नया घर खरीदा था। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन देयर स्टोरी इन बिट्स एंड पार्ट्स। तो कहानी ये है कि एक कपल अपनी डूबती हुई शादी को बचाने के लिए एक नया घर खरीद के उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली उस घर के ओनर ने अपनी पत्नी को मारकर खुद सुसाइड किया था। ये सब जानने के बावजूद वो दोनों उस आलीशान घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तुरंत बाद पत्नी कुछ अजीब चीजें महसूस करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि उस घर में उन दोनों के अलावा भी कुछ या कोई और है। As far as horror is concerned, decent horror है। भूत प्रेत दिखते नहीं, लेकिन you feel a certain presence all the time। और जिस तरह से दिखाया गया है, that along with the eerie background music is definitely scary। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, टेंशन, फियर फैक्टर सब कुछ बढ़ता है। मूवी में ऐसे काफी सारे चिलिंग सीन्स हैं जो आपको डरा देगी। और ये सोचकर कि भाई ऐसा कुछ रियल लोगों के साथ रियल लाइफ में हुआ है, इट काइंड ऑफ एड्स टू योर फियर। मतलब थैंक गॉड इंडिया में हम ऐसे बड़े बड़े घर अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस मूवी में सरप्राइजिंग बात यह है कि इतना बड़ा घर ये दोनों कैसे अफोर्ड कर पाए। जो पति है उसे कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, उसका काम है क्राइम सीन्स को साफ करना, मतलब जहां पर मर्डर हुआ है वो और उसके कलीग्स जाकर खून के धब्बों को वगैरह वगैरह साफ करते हैं। बीवी भी अभी तक ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हुई है, तो सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल क्रंच होने के बावजूद हाउ डिड दे मैनेज टू अफोर्ड सच अ ह्यूज हाउस, दैट अगेन इज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। मुझे क्लाइमैक्स थोड़ा सा रश्ड अप लगा, मतलब ये सब क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक दो लाइन्स में दिया गया है, ठीक से ऑडियंस को एक्सप्लेन नहीं किया है। आई फेल्ट कि भाई एटलीस्ट थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन करते तो द एक्सपीरियंस कुड हैव बीन मच बेटर। एंड बाय द वे, एंडिंग जो है वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड नहीं है। ओवरऑल आई फेल्ट इट्स अ डिसेंट हॉरर मूवी, आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है ये मूवी। एक्टर्स ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। इट्स अ वन टाइम वॉच, आप ये मूवी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।